हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। कैसे हो भाई सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्स एकेडमी पे। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। पिछली वीडियो में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे आपको, तो आज कुछ क्वेश्चन रहेंगे और फिर आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा समाप्त, है ना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन 3D, ठीक है। और लगभग हमारे पिछली क्लास में 25, 20 से 25 के आसपास और 10-15 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो 30 से 40 के आसपास क्वेश्चन लगभग हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में लगभग सारे पैटर्न आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 45 मीटर हाई अबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए सी लेवल है आपका, यहाँ से 45 मीटर, ये लाइट हाउस है कोई जिसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 45 मीटर, ठीक है। जब आप इसके क्या टॉप से देखते हो, लाइट हाउस के टॉप से, तो जो ये आ रहा है आपका क्या शिप आ रहा है इधर, तो जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है कितना, 30 डिग्री से 45 डिग्री, जब ये इसकी तरफ क्या है आ रहा है। तो मान लेते हैं जब आपने पहले इसे यहाँ से देखा तो एंगल आपका कितना रहा होगा, 30 डिग्री, फिर ये लाइट हाउस की तरफ चलने लगा होगा, तो कुछ दूरी पर जाकर जो एंगल है वो कितना हो गया आपका, 45 डिग्री। क्वेश्चन में दे रखा है हमें, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, तो जो तुम आप यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखा तुमने इसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये आपसे क्या है पूछा गया है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने ये वाला ट्रायंगल पढ़ रखा है, ठीक है। बताओ इस 45 मीटर को भी अलग रखते हो, 10 45 कितना होता है, 1, यानी कि ये भी 1 रहा होगा और ये भी 1 यूनिट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं बात करता हूँ 30 डिग्री ट्राइंगल की, बड़े वाले ट्राइंगल की, 10 30 कितना होता है, 1/√3, देखो ये तो 1 है ही, तो यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी होनी चाहिए, √3, तो यानी कि ये आ गई हमारी कितनी, √3, सही है। बताओ भाइयों कोई दिक्कत है क्या। अब ये पूरी √3 लेंथ है और ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 1, तो बताओ ये वाली बची हुई लेंथ नहीं बता सकते कितनी होगी, √3 - 1, √3 - 1, देखो ये रेशो से हो जाते हैं सारे सवाल, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा साइन थीटा लगाने कोई जरूरत नहीं। चलो अब देखो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बतानी है, अब देखो एक, ये 1 यूनिट है और इसकी वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, 45 मीटर, यानी कि एक की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 45 मीटर, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, अभी हमने यहाँ पे देखा किसकी, √3 - 1 की वैल्यू बतानी, ठीक है। जब एक की 45 है तो √3 - 1 की कितनी होगी, √3 - 1 × 45, क्लियर है बात सभी को। अच्छा ऑप्शन ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, अब हमें पता है कि √3 कितना होता है, 1.732, यही होगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तुम √3 की, तो -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.732 × 45, ठीक है। अब ऑप्शन देख सकते हैं, क्लोज भी है और थोड़े से दूर दूर भी है, कोई बात नहीं। अगर मैं मान लो इसे क्या रखता हूँ, 3/4, भाई मैं इसे 0.75 मान लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, अप्रोक्स आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। अगर इन जैसे मान लो ये और ये इसमें से कोई आ रहा होगा तो फिर तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, पर अगर 2436 में जाएगा तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा। तो अगर मान लो मैं 3/4 रखता हूँ × 45 करता हूँ, तो ये कितनी बार जाएगा, 11 बार, और 11 3 33, तो इसे तो थोड़ा सा हमें सोल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर 33 के आसपास आ रहा है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अगर मैं 0.732 में से पहले 0.7 की मल्टीप्लाई करता हूँ, किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 0.7, तो 7 5 = 35, 7 4 = 28 और 3 31.5, ये बात क्लियर हुई सभी को। मैंने क्या करा, सिर्फ 0.7 की मल्टीप्लाई करी जो कितना हो गया, 31.5 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा था, 0.32 भी बचा था, तो 0.3 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.03 की, बताओ 3 5 = 15, 4 3 = 12 और 1 13, 2 पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 और 3 8, 32.85, तो जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली वो कितना आ जाएगा, 32.9, आई क्या बात समझ में भाई। मैंने 0.732 को स्प्लिट कर लिया, कैसे स्प्लिट कर लिया, पहले लिखा है 0.7 प्लस यहाँ पे क्या लिखा, 0.7
03 है ना, इसे ऐसे लिख लिया मैंने, और फिर सामने क्या था 45, तो 45 की पहले 0.7 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 31.5, प्लस 45 की फिर किस में मल्टीप्लाई करी 0.03 में, तो क्या आ गया 1.35। ठीक है, तो हम ऐसे ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे नंबर की मल्टीप्लाई दोनों की ना करके। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करना होगा कि जल्दी सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ ए वॉल एंड ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द वॉल आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, अब एक कोई दीवार है, मान लेते हैं ये हमारी क्या है दीवार, और यहाँ पे क्या होता है दो आदमी खड़े हैं ए और बी। ठीक है, सेम साइड पे खड़े हैं, या तो इस तरफ ले लो या फिर आप इस तरफ ले लो, इधर ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो जब दोनों देखते हैं दीवार को तो एक तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है यानी कि ये दूर खड़ा होगा, और जो 60 डिग्री का एंगल बनाता होगा वो क्या होगा पास में खड़ा। तो ये तो होगा कितना हमारा 60 डिग्री, और ये वाला हमारा कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द वॉल इज 50 मीटर। अच्छा, हमें वॉल की हाइट दे रखी है कितनी 50 मीटर्स, तो बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ये तो ए है और ये बी है, हमारे से क्या पूछा है ए और बी के बीच में क्या पूछा है डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है 45 60 ट्रायंगल हमने पढ़ रखा है। बताओ अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ, ये अंडर रूट 3 है तो ये कितना है 1 है ना। अच्छा 45 की बात करते हैं, ये 45 डिग्री है, 45 में ये भी 1 और ये भी 1 यानी कि दोनों इक्वल होती है लेंथ, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है अंडर रूट 3, तो यानी कि इस पूरे की लेंथ भी कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3 हो जाएगी। बताओ भाई क्या बात समझ में। अब देखो ये 1 है, ये पूरी अंडर रूट 3 है, यानी कि बची हुई लेंथ कितनी आ जाएगी अंडर रूट 3 माइनस के 1। क्लियर है बात सभी को, बस क्वेश्चन हो चुका खत्म। हमें ए बी की लेंथ बतानी है, लेकिन हमें एक्चुअल लेंथ पता थी किसकी, इसकी वॉल की, वॉल की लेंथ कितनी है 50 मीटर, लेकिन रेशियो में कितनी आ रही है हमारे हिसाब से अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है 50 मीटर्स, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/√3 मीटर्स है ना, और हमें किसकी बतानी है वैल्यू अंडर रूट 3 - 1 की, तो इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एक की वैल्यू है और अंडर रूट 3 - 1 की वैल्यू क्या हो ये हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब फिर वही इसे सोल्व करने की बात है ना, सोल्व करने के लिए क्या करें तो क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो ये अंडर रूट 3 कितना होता है 1.73 है ना, 1.73, अगर मैं अंडर रूट 3 की जगह 1.7 मान लेता हूँ, यानी कि 17 * 51, अगर मैं रूट 3 से इसे काटता हूँ 17 * 51 तो लगभग ये शायद 30 बार चला जाएगा है ना, कितनी बार चला जाएगा 30 के आसपास। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है काफ़ी। भाई अगर मैं 50/√3 की बात कर रहा हूँ, अंडर रूट 3 कितना होता है 1.73, यानी कि इसे 1.7 मान लूँ मैं, 17 * 17 कितना होता है 51, यानी कि 30 बार चला जाएगा, तो मैं 30 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अप्रोक्सी चल रहे हैं बिल्कुल। अंडर रूट 3 - 1, अंडर रूट 3 तुम्हें पता है कितना 1.73 - 1, यानी कि क्या बच गया 0.7। अब इसे भी अप्रोक्स लिख लेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं हम 3/4 लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 4 * 7 = 28, 4 * 5 = 20, 5 * 15, 7 * 21 और 1 = 22। एक मिनट रुको, हाँ 30 उधर दिख नहीं रहा होगा ना, कैमरा आ गया होगा, 3/4 कितना आ गया था 7.5 * 3, 5 * 3 = 15, 7 * 3 = 22.5, ये ज़्यादा आ रहा है यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा 21.10। ठीक, क्योंकि हमने ज़्यादा अप्रोक्सीमेट ले लिया है, पर है ना आई बात समझ में कैसे हुआ, ये लगभग 30 होगा और ये 0.73, 3/4 ले लिया मैंने, होगा तो कम ही है ना, तो जो आंसर आएगा वो आ रहा है लगभग हमारा 22 के आसपास, लेकिन आंसर 22 से क्या होगा कम होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली सोल्व कर सकते हैं हम, पूरा तुम्हें सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है बात। ये देखो 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द ग्राउंड एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। बहुत सही, ये मान लेते हैं कोई क्या है टावर है, 2 पॉइंट बताए इसने, एक ए और एक बी, दोनों क्या है टावर के अपोजिट साइड है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। अच्छा, इसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है ए और बी का 60 और 45, यानी कि ए पास में होगा तो सही बनेगी फिगर भी, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द टावर इज क्लोजेस्ट टू, और इसने क्या बताया था ए इज क्लोजर टू द फुट ऑफ द टावर बाई 42 मीटर देन बी। जो ए है वो बी से क्या है 42 मीटर पास है, ठीक है ना,
चलो वो चीज़ बाद में देखेंगे, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये वाला 60 डिग्री है, तुम्हें पता है अगर ये कितना अंडर रूट थ्री है तो ये कितना होगा, 1 होगा, क्लियर है बात। अगर 45 डिग्री ट्रायंगल की बात करता हूँ तो 45 में ये और ये वाली लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ये रूट थ्री है तो इसे भी कितना होना पड़ेगा, रूट थ्री होना पड़ेगा। अब इस लाइन का मतलब समझो, ए जो है वो 20 से 42 मीटर पास खड़ा है टावर के, यानी कि इसने क्या दे रखा है, ए और बी की डिस्टेंस का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, अंतर ही तो दे रखा है ये, बताओ आई क्या बात समझ में। अब बताओ यहाँ से बी की डिस्टेंस कितनी है टावर से, रूट थ्री, ए की डिस्टेंस कितनी है टावर से, अंडर रूट वन, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कैसे पता चलेगा कौन कितने पास है, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट थ्री माइनस, और एक्चुअल में वो कितना है, डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, 42 मीटर्स, तो यानी कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, बताओ आई क्या बात समझ में। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस, क्लियर हुई बात। हमें किसकी बतानी थी, टावर की हाइट बतानी थी, टावर की हाइट कितनी है भाई, अंडर रूट 3, यानी कि मुझे जो आंसर है वो क्या है, अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालनी है, 42 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू, क्लियर है बात। अब सोल्व करते हैं, यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली लाना है आंसर, करेंगे 42 इंटू अंडर रूट 3। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.7 में चले जाएगा, फिर एग्जैक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 42 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, और अपोन में ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या रह जाएगा, 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 21 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा 21 और अंडर रूट 3, एक मिनट पेन की वो चेंज कर देता हूँ, ये अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट, सही बात है। अब देखो थोड़ा आसान हो गया, ये 3 है और ये कितना होता है, 1.732, तो ये हो जाएगा 4.73, सही बात है, बस क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो गया। 21 4 जा 84 प्लस 21 इंटू 73, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 1.5 के आसपास, तो यानी कि 80, चलो सोल्व भी करते हैं, 21 इंटू 0.73, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 7 और 6 13, ये कितना आ गया, 15.33, अच्छा 15 आ रहा था, मैं 1.5 लिख दिया, 15.33, यानी कि 99.33, यानी कि क्या आ रहा है, 99.4, तो जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 99.4। देखो यहाँ पे थोड़े दो ऑप्शन क्लोज थे, तो हमें क्या करना पड़ा, एग्जैक्ट हल्का सा क्या करना पड़ा, सोल्व करना पड़ा, लेकिन उसके लिए भी कैलकुलेशन रखनी पड़ी, अगर यहाँ पे तुम अंडर रूट 3 की वैल्यू रख के डिवाइड करने की कोशिश करते तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती थी, है ना, तो थोड़ा सा रेशनलाइज कर लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, और लास्ट में वैल्यू में मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन है, इनमें थोड़ी कैलकुलेशन है, ये क्या है, थोड़ा टाइम ले जाएंगे अगर तुम कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाओगे। चले आगे, गोलू इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 60 मीटर टोल बिल्डिंग, चलो ये मान लेते हैं कोई क्या है, 60 मीटर टोल बिल्डिंग, गोलू कितना लंबा है भाई, 1.8 मीटर, गोलू जो है उसकी हाइट कितनी है, 1.8 मीटर, तो ये कुछ दूरी पे खड़ा होगा, पता नहीं हमें कितनी दूरी पे खड़ा है, लेकिन गोलू की हमें हाइट पड़ता है कितनी, 1.8 मीटर, सही है। वेन गोलू वॉक्स टूवार्ड्स द बिल्डिंग, जब गोलू क्या है बिल्डिंग की तरफ जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हिज हेड, ये इसका हेड होगा, ये ऐसे जाएगा आगे, है ना, मैंने पैरेलल लाइन खींच लिया ये बेस के, तो यहाँ इसका हेड है, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। अब जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, के बाद कितना हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है बताओ हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो जो गोलू है उसने कितना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ, तो गोलू तो ये डिस्टेंस हमारे से क्या है, पूछ रहा है, बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या। चले आगे, चलो
अब देखो बड़ा आसान है, अगर ये डिस्टेंस 1.8 है तो बताओ यहाँ से यहाँ तक भी 1.8 होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर ये 1.8 होगी तो ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो ये कितनी हो जाएगी? 58.2 मीटर। इतनी बात सभी को क्लियर होगी? अब इतनी बात क्लियर है तो आगे अब फिर ट्रायंगल का खेल देखो भाई, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? √3। ये कितना होगा? 1 होगा। अब 45 डिग्री वाला ट्रायंगल है, अगर ये √3 है तो इस पूरे को कितना होना पड़ेगा? √3 होना पड़ेगा, पता होना पड़ेगा या नहीं? अब ये पूरी √3 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। तो बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी यूनिट होगी यहाँ से यहाँ तक की? √3 - 1 यूनिट होगी। क्लियर है बात सभी को? अब देखो क्वेश्चन हो गया आसान, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है ये √3, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है? 58.2, यानी कि √3 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी? 58.2 मीटर्स। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू बता सकता हूँ कितनी आ जाएगी, 58.2/√3। आई होप क्लियर है सभी को। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? गोलू ने कितना डिस्टेंस चला है बिल्डिंग की तरफ, कितना डिस्टेंस चला है? √3 - 1 यूनिट। तो √3 - 1 यूनिट डिस्टेंस कितनी होगी? √3 × √3 के। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अब आंसर है इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, फिर आंसर क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो अगर तुम ये 19.4 देख रहे हो, ये 19.4 कैसे ना कैसे तो आया ही होगा, 19.6। अब अगर मैं देखो 58.2 को, इसे देखता हूँ 58.2 को, तो जब 19.4 की हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 58.2 आता है, ठीक है? देखो मैं 58.2 को लिख सकता हूँ 19.4 × 3। ये तुम्हें छोटी छोटी बातें नोटिस करनी पड़ेगी, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान। ये क्या था? √3 - 1 यहाँ पे रखा हुआ था और √3 यहाँ पे था। √3 से क्या 3 कट जाएगा, कितनी बार? √3 टाइम्स। तो देखो यहाँ थोड़ा आसान हो गया, 19.4 × √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, और −√3। तो देखो डायरेक्ट आंसर ही आ गया। तो ये तुम्हें छोटी छोटी चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, है ना? 58.2 को ब्रेक करके लिख लिया हमने किसमें, 19.4 × 3। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा एक बार जो आपके ऑप्शन है उस पर भी नज़र रखनी है, ठीक है? जिससे कि थोड़ा पैटर्न समझ पाओ कि कैलकुलेशन कैसे आसान होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे सीधा सोल्व करना शुरू कर देते हैं और करते चले जाते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं कि आंसर तो कुछ और ही पूछ रखता है। तो एक बार आप ऑप्शन पर निगाह जरूर मार लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है? जिससे आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। ए नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस एट ए स्पीड ऑफ 4√3 - 3 - √3 मीटर पर सेकेंड। चलो मान लेते हैं ये लाइट हाउस है और ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है? और 1 मिनट लगता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने में, कितने से? 60 डिग्री से 45 डिग्री। यानी कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री रहा होगा क्योंकि इस बार दूर जा रहा है, और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा हो गया होगा कितना, 45। क्लियर है बात सभी को? तो ये तो हाइट ऑफ लाइट हाउस पूछिए आपसे। अच्छा, हमें स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है जो कैप्टन है उसकी? 4√3 - √3 मीटर पर सेकेंड। और कितना समय लगता है यहाँ से यहाँ एंगल चेंज होने में? 1 मिनट। टाइम कितना लगता है? 1 मिनट। तो एक बात बताओ, जब आपको स्पीड पता है और टाइम पता है तो आप क्या डिस्टेंस नहीं बता सकते? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, है ना? अच्छा, ये टाइम 1 मिनट में है, यानी कि 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 60 × 4, ये है ना, यानी कि 240 × 3 - √3 मीटर। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ 240 × 3 - √3। एक्चुअल डिस्टेंस पता लग गई। अब हमें बतानी है हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने ट्रायंगल पढ़ ही रखा है, यानी कि अगर ये √3 है तो ये 1 होगा, 45 डिग्री ट्रायंगल है, ये √3, तो ये पूरी कितनी लेंथ होगी? √3। इसमें तुम्हें देखो हमेशा कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी, या तो हाइट दे देगा, या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे देगा, या कभी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, कंपेयर करना है और आंसर निकालना है। अब बताओ ये √3 है तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? √3 - 1। तो अब कंपेयर कर सकते हो, यानी कि √3 - 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 240 × 3 - √3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ? 1। अच्छा, यहाँ से √3 कॉमन लूंगा ना मैं, तो देखो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 240 √3
ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, रूट थ्री माइनस वन। तो ये रूट थ्री माइनस वन से रूट थ्री माइनस वन कट जाएगा और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 √3। क्लियर है बात, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 240 √3। हमें बतानी है हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट क्या है लाइट हाउस की, √3, यानी कि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, √3। तो 240 √3 × √3, यानी कि ये 240 × 3 कितना हो जाएगा, 720। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 720। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड पिलर एट ए पॉइंट 150 मीटर फ्रॉम इट बेस इज 30 मीटर। ठीक है, कोई एक पिलर है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है, कितनी हाइट है इसकी, 150 मीटर। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसका कितना हमें, 30, कितना दे रखा है, 30 फीट। अब द हाइट दैट द पिलर मस्ट बी रेज, क्या है पिलर की हाइट कितनी रेज करी जाए, एट द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसने कहा है कि अब इसकी हाइट बढ़ाई जा रही है, और हाइट इस तरीके से बढ़ाई गई कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब उसी पॉइंट से कितना हो जाता है, 45 डिग्री। सही बात है, हो जाएगा ये, यानी कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना हो जाएगा, 45। सही बात है, ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे शुरुआत करेंगे, ये 30 डिग्री है ये वाला ट्राइंगल, 30 डिग्री में आपको पता है अगर ये 1 यूनिट है तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं 45 डिग्री ट्राइंगल की बात करता हूँ, 45 डिग्री यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ये तो √3 है, तो बताओ ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। और ये पूछ रखा है उसने कि हाइट कितनी बढ़ाई जाए, बताओ ये पूरी √3 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई, 1 है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस नहीं बता सकते भाई, इस बार ट्रायंगल उल्टा बन गया, कोई दिक्कत थोड़ा है, लेकिन √3 - 1। अब एक बार बताओ मेरे भाई, ये 150 मीटर है पहले टावर की हाइट, और हमने यहाँ कितनी यूनिट ली थी, 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 150 मीटर, और हमें क्या बतानी है कितनी हाइट बढ़ाई गई, कितनी हाइट बढ़ाई गई, √3 - 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 - 1। यहाँ तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि √3 - 1 क्या होता है, 0.73, और 0.73 को हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर क्या, 3/4, क्योंकि काम चल जाएगा, ऑप्शन क्या है, बहुत दूर। तो 4 से कितनी बार गया, 4 3 12, 4 7 28, 37.5, 5 3 15, 7 3 21, 1 22, 3 3 9, तो क्या इतना डिफरेंस कैसे आ गया, 15 6 90, 15 7 105, यही आ रहा है यार आंसर तो, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूरी √3 हो गई थी, ये √3 - 1, इसकी वैल्यू 150, तो √3 - 1 की 150 × √3 - 1, 0.73 बचेगा यहाँ पे, ठीक है भाई, है ना, 3/4 ही होगा, 4 3 12, 4 7 28, 3 5 15, 1, 7 21 22, और 2 3 3 2, 112.5 मीटर के आसपास ही लगभग क्या आएगा, आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेना अगर कहीं दिक्कत होगी तो, मेरे हिसाब से तो यही होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़े कुछ ज़्यादा ही अलग है ना, वरना फिर आंसर ये हो जाएगा, एक बार चेक कर लेना सभी, ठीक है, क्योंकि क्या पता कहीं पे मैंने कुछ एरर गलती कर दी हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 300 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री। ठीक है, कोई एक ट्री है आपका, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री ग्राउंड विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री इज 30। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री, उन्नयन कोण है 30 डिग्री, कितने मीटर दूर है, 300 मीटर। अब इसने कहा व्हेन द हाइट ऑफ द ट्री इंक्रीजेस, जब ट्री की हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है भैया, 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन, सही बात है, तो बताओ ट्री की जो हाइट है वो कितनी बड़ी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखो छोटे वाले ट्राइंगल से करो स्टार्ट, ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये √3, ओ सॉरी ये 1, तो ये वाला कितना होगा, √3। अब ये 60 डिग्री है,
60 डिग्री क्या होता है, अंडर रूट थ्री, ये वाला पूरा अंडर रूट थ्री होता है और ये क्या होता है, वन होता है, लेकिन ये अंडर रूट थ्री है तो यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, ये तीन होना पड़ेगा इसको, बड़ा है ना 60-30 ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा, तीन। अब बताओ ट्री की हाइट कितनी बड़ी, अगर पूरा तीन और ये एक तो ये वाली कितनी होगी, 2 यूनिट, और बस खत्म। अंडर रूट थ्री की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300/√3, तुम्हें कितने की बतानी है, 2 की, तो 300/√3 ×, ठीक है थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ये जाएगा अगर मैं 3 अलग कर देता हूँ तो ऊपर बच जाएगा 100√3 × 2, ये कितना हो गया हमारा 200√3, और 200√3 का मतलब है 17 × 34, चलो 3 × 6 7 × 14 346 मीटर एग्जैक्टली आ गया, तो लगभग कितना 346 मीटर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, है ना, दो ऑप्शन पास में। चलिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाउस ए इन ए स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस बी, तो कोई एक हाउस है ए, कोई दूसरा हाउस है बी। अब देखो ये बी हाउस बड़ा होगा क्योंकि ए हाउस के टॉप से तुम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी देख रहे हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ये बात समझ लें। तो ये मान लेते हैं ये हमारा क्या रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बताया इसने, 60 डिग्री, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बताया, 45 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना रहा होगा, 45 डिग्री, आई बात समझ में। और हाइट ऑफ हाउस ए, ए की हाइट दे रखी है कितनी, 36 मीटर, तो बताओ हाइट बतानी है किसकी, हाउस की, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर मान लो ये 60 डिग्री ट्रायंगल, तुम्हें बस रेशो से चलना है, तुम्हें वैल्यू पता है, तुम्हें बस यहाँ पे रेशो बनाने हैं, एक्सेप्ट ये √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब मैं बात करता हूँ अगर देखो ये वाली 1 यूनिट है तो यहाँ पे ये भी कितनी होगी, 1 यूनिट हो जाएगी क्योंकि पैरेलल लाइन नहीं खींची हमने ऊपर। अच्छा 10 45, इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, 45, ये वाला एक, तो ये भी कितने यूनिट होगा, 1 यूनिट, बताओ ठीक है क्या। अब बस सवाल खत्म, बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी पता है, मैं 36 मीटर, हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ हाउस बी, बी की हाइट बतानी है, बी की हाइट तो पूरी ये है। अच्छा ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा, 1, ये हमने पता कर लिया, √3, यानी कि टोटल हाइट कितनी है हाउस बी की, √3+, सवाल खत्म, 1 की वैल्यू 36, तो √3+1 की कितनी, 36 × √3+1, यानी कि 36 × ये 1.73 होता ही है, यानी कि 2.73 हो जाएगा अप्रोक्स, 36 × 72 प्लस 36 × 0.73, यानी कि 36 × 3/4, 4×9=36, 9×3=27, यानी कि 7 और 2 9, 7 और 2 8, 7 और 2 9, 99 आ गया मेरे हिसाब से अप्रोक्स, ये मैंने 3/4 लिया क्योंकि 3/4 ज़्यादा होता है, तो 99 से थोड़ा सा कम, यानी कि जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा, 90, तो आंसर आ जाएगा भाई, आई बात समझ में। तो बस कैलकुलेशन का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है मान लो ये कोई टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, चलो ये टावर है, ये बिल्डिंग, बिल्डिंग छोटी होगी टावर बड़ा होगा, क्यों होगा देखो, क्योंकि इसने कहा जो ये टावर है, टावर से बिल्डिंग के जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग, वो कितना है, 60 डिग्री, समझ में आ रही है बात, यानी कि बिल्डिंग से देख रहे हैं इसकी तरफ, तो ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यानी कि एंगल बड़ा बनेगा, यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो क्या, टावर की हाइट क्या रहेगी, ऊंची रहेगी, क्लियर होगी बात। टावर की हाइट हमें बता दी कितनी, ओ सॉरी टावर ये है, टावर की हाइट बता दी कितनी, 72 मीटर, बिल्डिंग छोटी होगी है ना, बिल्डिंग की हाइट बतानी, हाइट ऑफ बिल्डिंग ही बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार बताओ कोई सा भी ट्रायंगल पकड़ लो, 10 30, 10 30 कितना होता है भाई, 1/√3, यानी कि अगर ये 1 तो ये √3, अगर मैं 10 60 की बात करता हूँ, अब ये √3 है भाई, 10 60 तो √3/1 होता है ना, लेकिन 1 की जगह क्या आ गया, √3, तो ये पूरा कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा, अरे ये बात समझ में, देखो बन गया ना √3 का रेशो, बस खत्म। 3 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी, 72, 1 की कितनी आ जाएगी, 24 मीटर, हमें किसकी बतानी है, हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24 मीटर, देखो डायरेक्ट सवाल हो गया खत्म। कोई साइन टेन निकाल के तुम्हें ए बी बी सी लिखा करते थे ट्राइंगल की वैल्यू, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू।
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये पेपर का फेवरेट सवाल है, ये अभी तक पूछा जा रहा है पेपर में, ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई एरोप्लेन है आपका, मान लेते हैं ये एरोप्लेन है, उल्टा सीधा बन जाएगा देख लेना, ठीक है, ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो मान लेते हैं ये एरोप्लेन है, यहाँ से कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब ये 30 सेकंड उड़ता है, देखो जब ये उड़ेगा तो ये सेम हॉरिजॉन्ट, मतलब ये अपनी अल्टीट्यूड चेंज नहीं करेगा, इसी हाइट पे उड़ेगा। तो मान लो अगर उड़ा 30 सेकंड के लिए तो आगे पहुंच जाएगा, अब यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री उसी पॉइंट से। आई बात समझ में? यानी कि अब यहाँ से जब तुम इसे देखोगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आई बात समझ में? और जो एरोप्लेन है वो 4500 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ये कॉन्स्टेंट रहेगी हाइट, कितने मीटर की हाइट पर, 4500 हाइट के, 4500 मीटर हाइट। तो व्हाट इज द स्पीड, अब क्या पूछिए हमारे से, स्पीड पूछिए। स्पीड क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो तुम्हें पता है, यानी कि तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कौन सी निकालोगे, देखो ये वाली डिस्टेंस इतने 30 सेकंड में कवर करी तो तुम्हें यही तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, अगर ये डिस्टेंस पता चल गई, टाइम तुम्हें पता है तो स्पीड निकाल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, छोटे वाले की बात करता हूँ, 60 डिग्री है, 60 डिग्री में ये क्या होगा √3, ये क्या होगा 1, सही बात है नहीं? अच्छा 30 डिग्री ट्रायंगल की बात करता हूँ, 30 डिग्री, 30 डिग्री में ये 1 होता और ये पूरी √3 होती, लेकिन हाइट तो हमने क्या मान ली, √3 मान रखी है। जब हाइट तुमने √3 मान रखी है तो फिर इस पूरी को कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, क्योंकि 1/√3 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अब ये पूरी 3 है, ये 1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आई, 2 यूनिट आई, बताओ आई कि नहीं आई। अच्छा ये √3 एक्चुअल में है कितनी है, 4500 मीटर, यानी कि √3 की वैल्यू कितनी, 4500, 1 की वैल्यू कितनी, 4500/√3, है ना? तो यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, वैसे तो 1500√3 आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 1500√3, लेकिन हमें डिस्टेंस कौन सी देखनी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, है ना, वो कितनी है 2, यानी कि हमें कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 3000√3 मीटर। आई बात समझ में? अब स्पीड बतानी है, काम खत्म, क्योंकि डिस्टेंस तुमने पता कर ली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3000√3 ये मीटर में आई, और टाइम जो था वो हमें किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो आसान हो गया तुम्हारे लिए, 0 से गई 0 और ये 100√3, कितना आ गया आंसर, 100√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन चेंज कर लेना, इसे बना लो क्या 100, ऑप्शन गलत है इसे, ठीक है 100√3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या बात समझ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, ठीक है, आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद मेंसुरेशन की वीडियो लेके आने वाला हूँ, और चैनल को भाई थोड़ा सपोर्ट करो, है ना, वीडियोस वगैरह शेयर करो दोस्तों के साथ, और कंटेंट देखो आपके लिए बना रहा हूँ, और अगर देखोगे तो तुम्हें सच में ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा कंटेंट में बना भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसी हिसाब से बना रहा हूँ, 12-13 घंटे के आसपास में आपकी ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी खत्म कर दी होगी, तो इतने कम टाइम में कोई नहीं करा पाएगा, और अगर तुम ये 12-13 घंटे पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से सारे 100% क्वेश्चन तुम पेपर में कर पाओगे। तो प्लीज़ यही कोशिश है कि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हो, इसीलिए मैं थोड़ा क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहा हूँ, इधर उधर भटकने वाली चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़ा फोकस करो और सपोर्ट करो थोड़ा सा, है ना। चलो, थैंक यू गाइस।